हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की एक और नई वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, टाइमिंग भी आप नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे, रीजनिंग की है 3 बजे और मैथ की है रात को 9 बजे। और आज के वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो कथन निष्कर्ष के रहेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि कथन निष्कर्ष के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ये 20 टेस्ट 120 रुपये में है, तो आप यहाँ से जाके इनको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर और भी अच्छे से इंक्रीज हो सके। और यहाँ पर डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो 120 रुपये लिखा है ये आफ्टर डिस्काउंट है और डिस्काउंट के लिए आपको कोड ये वाला यूज़ करना है, सौरभ SPL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को तो पूरा एंड तक देखेंगे ज़रूर। और प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या वीडियो समझ में आती है तो एक लाइक तो ज़रूर किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जो भी आपका राइट आंसर आता है उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कथन है, क्या कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, और उल्लंघनकर्ताओं को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देखिए, हड़ताल करने के अधिकार की बात की जा रही है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे तर्क क्या है, तर्क भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाँ में आपको आंसर मिला है, तो इसका तर्क क्या है वो देख लेते हैं। अगर तर्क सही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ये तर्क असंगत है, इसका कथन से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये किसी भी तरीके से इसको फॉलो नहीं करता है, तो हम इसको गलत कर देंगे। अगर ये इसको फॉलो करता है हाँ को, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिला है आपको हाँ में, और उसका तर्क देखते हैं। संगठनों का कार्य सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करने का, और संगठन कुछ भी चला लेगा, ऐसे कर्मचारियों की मान्यता रोकने की का यही एक तरीका है। तो जो लास्ट में लाइन बोली गई है ना, मान्यता रोकने का यही एक तरीका है, तो ये इसको गलत कर गया, ठीक है। क्योंकि रोकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यही एक तरीका है, बस इसने इस पूरे लाइन को गलत कर दिया, तो ये वाला तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही ध्यान से, प्यार से और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ना, कभी गलत नहीं होगा। दूसरे वाला नहीं, इसमें आपको आंसर मिला नहीं में, तो इसका तर्क देख लेते हैं। इसका परिणाम एक तांत्रिक संगठनात्मक प्रशासन होगा, और इससे संगठन कर्मचारियों के मूल अधिकार का पुनः अतिक्रमण होगा। तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसको गलत नहीं बताया गया है, ठीक है। अपने मौलिक अधिकार को मतलब मनवाने के लिए या फिर कुछ भी बताने के लिए हम इस तरीके का स्टेप ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऐसा करना गलत होगा। तो नहीं में आपको आंसर मिला, और उसका जो तर्क दिया गया है वो भी एकदम बिल्कुल सटीक और सही है, तो इसका मतलब सेकेंड वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी धीरे धीरे और समझ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और ट्राई करिए, जो भी आपका राइट आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ट्राई को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ये बहुत ही अच्छे 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 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 3 का क्या है, तो इससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपका आएगा, ठीक है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या रहेगा इसको पढ़ लेते हैं पहले। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मंत्री का आपने वेन डायग्राम बनाया और उसमें बोला गया कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो इस तरीके से हल्का कट लगाया और कुछ मंत्री अध्यापक हो गए हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो सभी के सभी अध्यापक विद्वान कब होंगे, जब अध्यापक के ऊपर को आपका विद्वान वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका कौन सा निष्कर्ष निकलता है ये आप पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष पहले वाला क्या कहता है, कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो यहाँ पे कुछ मंत्री विद्वान हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्री अध्यापक हैं और सभी के सभी अध्यापक आपके विद्वान हैं, तो कुछ विद्वान भी आपके मंत्री हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन कुछ वाला हो सकता है, तो पहले वाला तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई।
भाई समझ में आ रहा है ना तो बताइएगा मुझे बिल्कुल जरूर। यहाँ पे सेकंड बोला सभी विद्वान अध्यापक हैं। देखिए सभी विद्वान अध्यापक नहीं हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन कब होती, ये वाली तब होती जब सभी के सभी विद्वान के ऊपर को अध्यापक का आपका वेन डायग्राम आ जाता, यानी कि विद्वान के ऊपर को अध्यापक का आता तब आपका ये कंडीशन सही होती। तो ये आपका पहला राइट हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है इसको भी पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कथन में दिया गया है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतीहारों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतीहारों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, इसमें निष्कर्ष देख लेते क्या क्या है, निष्कर्ष पढ़ के पता चल जाएगा। गरीब किसानों और खेतीहारों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड जिस टाइप का ये क्वेश्चन बनाया गया है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, अभी ALP में भी आए हैं, ग्रुप डी में भी आए हैं और बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला जो जा रहा है उससे इसका पहले का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है गरीब किसानों और खेतीहारों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। तो अन्य सभी से क्या मतलब है, जब हमें इसमें बोला ही नहीं गया किसी अन्य के बारे में, तो यहाँ पे इसको गलत कर देंगे क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं करता है। सेकंड वाला है भूतकाल में समाज के किसी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। यार ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका भी कथन से कोई लेना देना नहीं। कथन को ध्यान से पढ़िए और दोनों निष्कर्ष आप खुद ही गलत कर देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऊपर वाले से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कथन में कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतीहारों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी, तो उन्होंने तो प्रयास करने की बात की जा रही है। यहाँ पे कहीं तो बोला जा रहा है कि अन्य सभी विकास के फल मिला है अन्य सभी को, और कहीं पे बोला जा रहा है कि कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे उनके अन्य वर्ग के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये बिल्कुल भी, और दोनों के दोनों इसमें रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जल्दी से ट्राई करिए, जो भी इसका राइट आंसर बनता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा परिणाम है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। तो इसका जो मतलब है, यानी कि भारत का गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में, यानी कि पश्चिम साइड में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। तो आप इससे क्या समझे हैं वो आप समझ गए हैं ना, तो निष्कर्ष क्या है इसका देख लेते हैं। आयुर्वेद दवाइयों भारत में लोकप्रिय नहीं है, तो यहाँ पे लोकप्रिय है या नहीं है इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही, तो इसको तो हटा देंगे। दूसरे वाला, भारत में एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय हैं, तो इसके बारे में भी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात की जा रही है, जो कि कोई से भी कथन में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो ये दोनों ही रोंग हो जाएंगे। ये मैंने रोंग वाले दोनों क्वेश्चन इसलिए कराए हैं कि कई बार बच्चा क्या होता है कि दोनों रोंग देख करके भी ये सोचता है कि नहीं यार एक तो राइट होगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर आपको दोनों रोंग लगते हैं, ठीक है, बहुत सारा अपना दिमाग लगा के भी क्वेश्चन को करना होता है, ये नहीं होता कि इसमें कोई भी ट्रिक और से कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैच कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के और प्रेशर डाल के देखा करें कि यार जब इसके बारे में बात की जा रही है तो इन दोनों के बारे में मैं क्यों बात करूं, क्योंकि ऊपर कथन में जो दिया जाता है उसी से निष्कर्ष निकलना चाहिए, कुछ तीसरी चीज़ से निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम रोंग कर देंगे, और इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनमें से एक को राइट लगा सकते थे, तो दोनों रोंग भी हो सकते हैं आपके और दोनों राइट भी हो सकते हैं, एक राइट और दूसरा रोंग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 या 6 है, चलिए जो भी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 5 या 6, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सके। तो यहाँ पे कमजोर वर्ग के बारे में बात की जा रही है, कोचिंग देने के बारे में बात की जा रही है, और अपने शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है। पूर्व धारणाएं जो होगी वो इसी से रिलेट होनी चाहिए, अगर इससे बाहर होती है तो वो गलत हो जाएगी। समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेगी।
तो बिल्कुल सही, यही बात तो ऊपर आपको बताई जा रही है, यानी कि उनका जो है स्तर, शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए ही बात की जा रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे वाला है समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो बिल्कुल सही बात की जा रही है, पिछड़े हैं तभी उनको फ्री में कोचिंग देने की बात की जा रही है, ठीक है, तो यही आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों के दोनों राइट हैं, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन ही आपको दोनों के दोनों राइट वाला कराया है कि ताकि आपको पता चले कि दोनों राइट भी हो सकते हैं। कई बार क्या बच्चा सोचता है कि यार दोनों राइट नहीं हो सकते, ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जितना आपको आता है और जितना आपको सही लगता है उसको ही राइट और उसको ही रॉन्ग करिएगा, कुछ अपनी तरफ से ऐड मत करिएगा बस, ठीक है। कथन निष्कर्ष हमेशा यही बोलता है कि जो कथन में दिया गया वो निष्कर्ष में होना चाहिए और निष्कर्ष उसी से निकलना चाहिए, किसी तीसरे चीज़ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये सातवां मान लेते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा, जो भी राइट आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। तो क्वेश्चन नंबर सातवें में क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, कथन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा, दोबारा तो ये रिपीट नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो वो बात अलग है। इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बने, एक समाचार, यानी कि एक समाचार यहाँ पे आया है, समाचार की हेडलाइन आई है, इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बने, एक समाचार है, ठीक है। पूर्वधारणा क्या है, ऐसे उद्देश्यों के लिए ही सेना की मदद ली जा सकती है, तो यार ये बिल्कुल रोंग है, क्योंकि यहाँ पे सेना तैनात करने की बात की जा रही है, ऐसे ही उद्देश्यों की बात नहीं की जा रही है कि सिर्फ ऐसे ही उद्देश्यों के लिए सेना, सेना का बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए होती है, सिर्फ ऐसे ही उद्देश्यों के लिए नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना कि ऐसे ही के लिए या इसी के लिए या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन अभी करा था, तो ये कभी भी राइट नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें ये अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, तो उनसे आपका कभी भी क्वेश्चन राइट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन सॉरी सेकंड जो पूर्वधारणा है वो क्या है, केवल सेना ही शांति बना सकती है, तो ये भी बोलना गलत होगा कि केवल सेना ही शांति बना सकती है, शांति और भी कई तरीकों से बनाई जा सकती है, तो केवल जो वर्ड यूज हुआ है ना, केवल ऐसे ही उद्देश्य, ये कभी भी क्वेश्चन जो आपके निष्कर्ष होते हैं उनको राइट नहीं करते हैं, ये हमेशा ही रोंग कर देते हैं, तो इनके आते ही आप समझ के चलिए कि 99% आपका जो निष्कर्ष होगा वो रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो इसमें भी दोनों के दोनों आपके रोंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ बादल दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा चप्पल नहीं है, सभी चप्पल यादें हैं। तो कुछ बादल दरवाजे हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बादल का डायग्राम बनाया और कुछ बादल दरवाजे बना दिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, इनमें आपको मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला हूँ वेन डायग्राम बनाने में, क्योंकि ये सभी आप जानते हैं। कोई भी दरवाजा चप्पल नहीं है, तो सबसे नेक्स्ट है आपका जो कोई भी दरवाजा, देखिए दरवाजा ये हो गया, चप्पल ये हो गया, इनके बीच में कोई रिलेशन हमने नहीं बनाया, तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सभी चप्पल यादें हैं, तो आपके जो सभी चप्पल जो हैं, ये सभी के सभी चप्पल ये याद हो जाएंगे, यादें हो जाएंगी मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है और चप्पल और सभी चप्पल यादें हैं, तो इनके बीच में रिलेशन है सभी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ के देख लेते हैं, कोई भी बादल चप्पल नहीं है, देखिए बादल और चप्पल के बीच में रिलेशन कुछ बताया नहीं गया, तो कोई भी बादल चप्पल नहीं है, तो ये बोलना गलत होगा कि हमारे लिए कि कोई भी बादल चप्पल नहीं है, ये वाली आपकी कंडीशन कुछ और भी बन सकती है। मान लीजिए आपका ये वेन डायग्राम इस साइड में बना दिया जाए इस तरीके से, इस तरीके से, तो कोई बादल चप्पल हो सकते हैं ना, तो इस चीज़ को बोलना गलत होगा कि यहाँ पे ये कोई बादल चप्पल नहीं है, ठीक है। तो ये पहला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे वाला है सभी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती, तो ध्यान से पढ़िए इस लाइन को एक बार और, सभी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती, यहाँ पे सभी का यूज किया गया और कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो सभी यादें, देखिए ये आपका बिल्कुल सही बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये चप्पल है ना, ये कभी आपका दरवाजा नहीं हो सकती है, कभी जो दरवाजा और इसके बीच में रिलेशन नहीं है, दरवाजा और चप्पल है ना, कुछ बादल दरवाजे हैं और कोई दरवाजा चप्पल, हाँ ठीक है, दरवाजा और चप्पल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी, यहाँ पे बोला है सभी यादें दरवाजा नहीं हो सकती है,
तो यहाँ पे देखिए, जब चप्पल इसके अंदर है और इसका इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो कभी भी यादें का दरवाज़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सभी यादें कभी भी दरवाज़ा नहीं हो सकती हैं। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के देखिए कि बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे सभी वर्ड यूज़ किया गया है, तो सभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो चप्पल वाला पोर्शन है वो दरवाज़ा और चप्पल के बीच में नहीं का रिलेशन है, तो वही वाला पोर्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सभी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब फिर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ये 9 या 10 है, 9 है होगा। सभी पटाखे खंड हैं, कुछ खंड उपहार हैं, कोई भी उपहार संदूक नहीं है। तो इसका भी एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी पटाखे आपके खंड हैं, ठीक है, कुछ खंड आपके उपहार हैं और कोई भी उपहार संदूक नहीं है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, जिसमें मुश्किल से 3 सेकंड लगनी है। ठीक है, जितनी लाइन है उतनी सेकंड है। तो पटाखे, सभी पटाखे खंड हैं, कुछ खंड उपहार हैं और कोई उपहार संदूक नहीं है। इसके बाद आपका क्या है निष्कर्ष, कोई भी पटाखा उपहार नहीं है। तो कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, यानी कि उपहार और पटाखा के बीच में क्या रिलेशन नहीं है, कोई भी उपहार पटाखा नहीं है। देखिए अब ये यहाँ पे कहना मुश्किल होगा कि कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ पटाखा उपहार हो जाए, बट यहाँ पे जो नहीं में बोला जा रहा है, तो इनके क्योंकि पटाखा और उपहार के बीच में कोई नहीं का रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो उपहार और संदूक के बीच में नहीं का रिलेशन है, उपहार संदूक नहीं है, बट पटाखा और उपहार के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो नहीं का भी नहीं होगा और है का भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे। दूसरे वाला, कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है। ठीक है, कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है, तो ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा, कुछ खंड वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन कभी भी संदूक नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा उपहार संदूक नहीं है, और जो उपहार इस वाले खंड को कवर कर लेगा, खंड के इस वाले पार्ट को कवर कर लेगा, तो ये भी संदूक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि कुछ खंड कभी भी संदूक नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिन पे आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। देखिए क्वेश्चन ना मैं लिख के लाता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन क्या दिया गया, क्या भारत में, ये क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूँ क्वेश्चन नंबर की ताकि आप आंसर दे सके कि 10वें का ये था, 7वें का ये था, 8वें का ये था। ठीक है, वो जो भी मैं बोलता हूँ आप उसका ही आंसर लिख के दे दिया करें। कथन यहाँ पे है, क्या भारत में विद्युत उत्पादक के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो तर्क क्या है यहाँ पे, हाँ परमाणु, आंसर आपको मिला है हाँ में, तो इसका तर्क देख लेते हैं सही है क्या। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से पर्याप्त स्तर तक विद्युत उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, और इसके प्राकृतिक संसाधन को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे कि पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कथन में बोला गया है उसमें है या नहीं है का, इसमें नहीं है का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें तर्क दिया गया है हाँ के साथ में आंसर, ये गलत है बिल्कुल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे वाला पढ़ के देखते हैं। नहीं में आंसर आपको मिला है कि जो भारत में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो इसमें आंसर मिला है नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसका तर्क क्या है, भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, अतः विद्युत उत्पादन के लिए इसे परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप भी देखें तो धीरे धीरे सारे आपके जो भारत के ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं, तो उसके बाद हम विद्युत उत्पादन, क्योंकि विद्युत आपको जो लाइट है, बिजली है, वो आपको चाहिएगी ही चाहिएगी। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, तो ये आपका राइट हो जाएगा, पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी इसमें आपका हाँ में आंसर जो दिया गया है उसका लॉजिक सही नहीं है। दोबारा से मैं आपको इसको बता देता हूँ कि रोंग क्यों है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से पर्याप्त स्तर तक विद्युत उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जो ये लाइन बोले ना, पर्याप्त संसाधन नहीं है, बस इसी ने रोंग कर दिया, और इसी को देखते ही आप रोंग कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे यार एक चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, कथन को पढ़िए दोबारा से, मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, कि आप भारत में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे,
और इसमें क्या बोला जा रहा है तर्क में कि पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इससे मतलब क्या है हमारा कि पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि क्या करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको उसका आंसर देना चाहिए। तो पर्याप्त संसाधन है या नहीं है या होंगे नहीं होंगे, इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। कथन और निष्कर्ष में आपका सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जो कथन में बोला गया वो निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, उससे ही मतलब होना चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अभी इन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि आप आंसर जरूर दें। अब मैं आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दिया करूँगा ताकि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता सकूं कि आपने राइट किया या गलत किया है और आपकी भी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगी। और एक क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा तो कारण है और कौन सा कथन है, कौन सा निष्कर्ष है, मतलब ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका एक पहले वाला अगर कारण है, दूसरे वाला कथन का मतलब परिणाम है, कथन सेकंड का परिणाम है, तो ये आपको बताना है। 2 इसमें कथन दिए गए हैं और दोनों में से एक तो आपका कथन होगा, दूसरा निष्कर्ष होगा, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर ये नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये टेस्ट आप ले सकते हैं, जल्दी से लेके प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। RPF SI के भी टेस्ट आ चुके हैं, कांस्टेबल के भी आ चुके हैं। देखिए SI का 120 रुपये का नहीं है, 199 का है और उसमें डिस्काउंट भी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और बहुत ही मेहनत करके टेस्ट बनाया गया है। ग्रुप डी के लिए आपका 20 टेस्ट 120 रुपीज़ में है। UP वीडियो का टेस्ट 20 में है, 120 रुपये में है, ठीक है। ALP CBT 2 का भी 20 टेस्ट आपके 120 रुपये में। तो ये सभी आप लेके परचेज करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये 120 रुपये में तब होंगे जब आप इसको कोड भर लेंगे और इसमें आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट टॉपिक स्टडी सर्च करके टेलीग्राम पर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छे सारी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जो भी डाउट आता रहे नीचे पूछते रहिए। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।